Subscribe to Tech Breach and press the bell icon to get notified. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आपका टेक ब्रीच के एक नए एपिसोड में स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक तरह से डिजिटल करेंसी है जिसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड हो। क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसका फंडा जो है वो पीयर टू पीयर कनेक्शन में काम करता है। पीयर टू पीयर कनेक्शन मतलब कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डायरेक्टली भेजा किसी भी बीच में कोई मीडियम के बिना। तो क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती है? क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफी के प्रिंसिपल पे काम करती है। क्रिप्टोग्राफी का प्रिंसिपल आपने सुना ही होगा कि हम किसी पुराने जमाने में किसी एक चीज को दूसरे बंदे को भेजने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे जो कि आजकल सीक्रेट सर्विसेज में भी यूज होता है। क्रिप्टोकरेंसी जो है उसमें कोई भी गवर्नमेंट बॉडी की रेगुलेशंस नहीं है जिससे कि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ही फास्ट होती हैं और जो पेमेंट्स होती हैं उनके जो बहुत चार्जेस होते हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं। हमारे जैसे कि हमारे बैंक से हम एक दूसरे को अगर हम भेजते हैं तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं, पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है हमारी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारी ये होती है कि हम कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं तो उसकी जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे हमारे ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ब्लॉकचेन एक तरह से हमारे लेजर की तरह हो सकते हैं, जैसे हमारे अकाउंट्स में हमारे लेजर्स बनते हैं वैसे हमारे क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन बनते हैं। हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो उसके अंदर एक एडवांटेज ये भी होती है कि हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर उसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर हो। इतनी सारी अच्छाइयां सुनने के बाद इसकी कुछ ना कुछ बुराइयां तो जरूर होंगी। इसकी एक बुराई ये है कि हम अगर ये एक तरह से वर्चुअल करेंसी मतलब कि हम इसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो अगर हमारा कंप्यूटर कभी क्रैश हो जाता है या हमारी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमारे हाथ से चली जाएगी। इसकी दूसरी जो बुराई है वो ये है कि इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते रहते हैं, यानी कि आज अगर मैं खरीदता हूँ $10,000 पे तो कल ये क्या पता ये हम $2,500 पे मिले या फिर $1,000 भी मिल सकती है या फिर ये $20,000 पे ही पहुंच सकती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क होते हैं क्योंकि ये हैकर हमेशा हमारी क्रिप्टो करेंसीज को हैक करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारी टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश, रिपल एंड लाइटकॉइन। जिसमें हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो उसकी मार्केट कैप्चर जो है वो $284 बिलियन है जिसकी सर्कुलेशन इस वक्त 16.7 मिलियन करेंसीज है जिसका प्राइस इस टाइम पे तकरीबन 7,43,000 के आसपास चल रहा है जो कि $11,700 के करीब होगा। दूसरी क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम जिसका मार्केट कैप्चर जो है वो $70 बिलियन है जिसका करेंट फ्लो जो है वो 96 मिलियन बिटकॉइंस का है और जिसका प्राइस 85,000 है रुपीज है जिसका कन्वर्ट करके अगर डॉलर में करें तो $1,333 के करीब बनता है। अगली क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन कैश जिसका करंट मार्केट कैप्चर जो है वो है $28.3 बिलियन जिसका करंट कैश फ्लो जो है वो है 17 मिलियन कॉइंस और इसका प्राइस इस वक्त चल रहा है तकरीबन 1,40,000 के करीब जो कि कन्वर्ट करके अगर हम डॉलर्स में देखें तो है वो $2,200 के आसपास। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी है रिपल। रिपल का मार्केट कैप्चर जो है वो $18 बिलियन का है जिसमें उसकी करंट कैश फ्लो जो है वो $39 बिलियन का है जो कि एक अपने बिटकॉइन से भी ज्यादा है क्योंकि इसका प्राइस जो है वो बहुत ही लो है जो कि अभी इस वक्त 119 रुपीज का ही है। अगर उसको कन्वर्ट करा जाए डॉलर्स में तो $1.87। अगली जो क्रिप्टो करेंसी आती है उसका जो नाम है लाइटकॉइन है जो कि टॉप 5 के अंदर लास्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसका मार्केट कैप्चर $17.3 बिलियन है जिसका करंट कैश फ्लो जो है वो 54 मिलियन है और जिसका प्राइस इस वक्त तकरीबन 15,600 के आसपास चल रहा है जो कि अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $245 के करीब होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेक ब्रीच फॉर मोर टेक्नोलॉजी वीडियोस।